गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त ने आयुक्त कार्यालय पर किया ध्वजारोहण। कहा, सादा जीवन, उच्च विचार, मितव्ययता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म संभाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की है आवश्यकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया ध्वजारोहण। दोनों महान सपूतों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन, दिलाया गांधी और शास्त्री के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के एनवायरनमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट के तत्वाधान में मनाया गया जयंती समारोह। गांधी के चित्र पर किया गया माल्यार्पण, स्वच्छता उपकरणों एवं कोरोना से बचाव के सामग्रियों की लगाई गई प्रदर्शनी। प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 4 अक्टूबर को आयोजित संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा की तैयारी बैठक। कहा, परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए संपन्न कराए परीक्षा, सुचिता का रखे विशेष ध्यान। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। कुलपति द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। निजीकरण के विरोध में 5 अक्टूबर से विद्युत संगठनों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक। कहा, विद्युत संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता कर बनाए आपसी सहमति, लोगों को ना होने पाए कोई दिक्कत। 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 151वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। SSP जोगिंद कुमार ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिए उपहार। प्रभारी जिलाधिकारी व CDO के अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई RRT की बैठक। कहा, गंभीर रूप से पीड़ित होम आइसोलेट किए गए मरीजों को पहुंचाए कोविड अस्पताल, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 221 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,011, एक्टिव मरीज हुए 1866। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। बेटियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुआ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हस्ताक्षर अभियान। प्रभारी DM CDO ADM CT सहित अन्य लोगों ने हस्ताक्षर कर बेटी बचाने और पढ़ाने का लिया संकल्प। सिटी मजिस्ट्रेट और CEO कैंट के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर के गोलघर सहित प्रमुख चौराहों पर किया गया फ्लैग मार्च। आम जनमानस में सुरक्षा का जगाया गया एहसास, लोगों को COVID-19 की जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए किया गया जागरूक। भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी और शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण। पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा, गांधी और शास्त्री के आदर्शों पर चलकर होगा देश का विकास। जयंती पर याद किए गए देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, चित्रगुप्त मंदिर सभा के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर भारतीय युवा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने गांधी और शास्त्री की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, युवा पीढ़ी गांधी और शास्त्री के विचारों पर चलकर देश हित में दे अपना योगदान। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विकास खंड चरगावा में दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण ट्राई साइकिल किया गया वितरण। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ने कहा, उपकरणों से मिलेगी दिव्यांगों को राहत।